खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां टीपी नगर चौराहे डीएम व एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली तिरंगा रैली। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के डीएम वी के त्रिपाठी और एसपी आदित्य ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत अमरोहा शहर के टीपी नगर चौराहे से शहर के गांधी मूर्ति, आज़ाद मार्ग, पुराना बस अड्डा आदि होते हुए मोहल्ला को चौराहे तक आज पुलिस कर्मियों की तिरंगा रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि हमने संदेश दिया कि सभी लोग अपने घर पर और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा जरूर फैलाएं और आज़ादी के इस पावन वर्षगांठ को धूमधाम से मनाएं। उन्होंने कहा, इस बार हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और यह हमारे लिए गौरव की बात है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी विशेष और बड़ा अभियान चला रहे हैं। हम भी अमरोहा जनपद वासियों से अनुरोध कर रहे हैं कि इसी क्रम में उन्होंने बताया कि आज से ही कुछ लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाना शुरू भी कर दिया और हम सभी घर से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी लोग अपने घरों पर और दुकानों पर तिरंगा जरूर लगाएं। ये रैली जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी क्रम में जो ये 15 अगस्त का हमारा कार्यक्रम है, इसको लेकर के एक सप्ताह का जो आयोजन किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों क्रम में, उसी क्रम में ये रैली निकाली गई, तिरंगा रैली निकाली गई है। उसमें हमारे सभी अधिकारियों ने इसे पार्टिसिपेट किया है और आप देख रहे होंगे कि लगातार आज से घरों पर तिरंगा फहराना शुरू हो गया है और लोगों में बहुत उत्साह है और इसको जन आंदोलन के रूप में और स्वरूप देने के लिए इसमें रैली जगह जगह निकाली जा रही है और अभी तहसील में निकाली गई है। सुबह हमारा मैराथन दौड़ हुआ है, पुलिस द्वारा भी कराया गया है, होमगार्ड ने भी निकाला है, तो हर जगह रैली निकाल के जन आंदोलन के रूप में किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे पूर्व पूर्वजों ने जो आज़ादी प्राप्त की है और जिस कठिनाई से और जिस त्याग के साथ प्राप्त किया है, हम उसको भूलने लगे हैं। इसको याद करके और देश को आगे बढ़ाने में, देश को एकता के रूप में गिरोने में आवश्यकता है, इसलिए इसको बहुत ही जन आंदोलन के रूप में दे करके और अच्छे से इस बार जो हमारा 75 वर्ष हो चुका है आज़ादी का, उसको मनाने का जो शासन निर्णय लिया है उसके अनुरूप हमारे सभी जो अधिकारीगण हैं, सभी जो संगठन हैं, सभी NGOs हैं, बल्कि हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर भी लोग जो है उत्साह के साथ इसमें रैलियाँ निकाल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज से घरों में तिरंगा लगाना प्रारंभ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 11 से 15 तारीख तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान यहाँ पे पुलिस के विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिसमें आज सुबह एक मैराथन भी कराई गई थी। इसी क्रम में आज शाम को एक तिरंगा यात्रा जिसमें पुलिस की फुट पेट्रोलिंग हुई है और इस दौरान हम लोगों ने जिस आसपास के 4 थाने हैं उन सबकी फोर्स हम लोगों ने साफ कर दी। इस पैदल मार्च फुट पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ पे सभी के हाथ में झंडा हुआ, क्योंकि ये अभी हम लोगों को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं 15 अगस्त, तो इसी क्रम में जो शासन और जनता की प्राथमिकताएँ हैं उसी क्रम में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ये फुट पेट्रोलिंग कराई गई, लोगों को जागरूक कराया गया और घर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है सफल बनाने में ये हमारे द्वारा एक पहल की गई। थैंक यू।